नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बंगाल में बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, राज्यपाल का ममता सरकार के अभिभाषण को पढ़ने से इनकार। पुलवामा में सुरक्षा बलों के आतंकियों से देर रात हुई मुठभेड़, अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हुआ हमला। पंजाब में बिजली की भारी कटौती, सरकारी दफ्तरों में कम होगा कामकाज, एसी भी बंद रखने का आदेश। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के स्पुतनिक वी लेने पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कसा तंज। कोरोना वैक्सीन की कमी की शिकायत के बीच स्वास्थ्य मंत्री बोले, राजनीति करने के लोगों को बेशर्म, लालक। तो चलिए अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। देश में महंगाई दिन पर दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लगातार तेल के बढ़ते दामों से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। आज पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 35 पैसे लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ अब यहां पेट्रोल 99.16 रुपए हो चुका है। हालांकि आज डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी डीजल की कीमत 89.18 रुपए बनी हुई है। बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत इस वक्त 99.16 रुपए प्रति लीटर है, जो पिछले 60 दिनों में 8.76 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया गया है। इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमत भी पिछले दो महीनों में 8.45 रुपए प्रति लीटर बढ़कर दिल्ली में 89.18 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में देर रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बताया कि पुलवामा स्थित हाजिन राजपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि इलाके में कुछ आतंकी है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने पर पहुंचे, आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और भारी गोलाबारी भी की। एनकाउंटर में सेना, पुलवामा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक SERPF के जवान शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। इस दौरान हुई गोलीबारी में सेना के 2 जवान भी घायल हुए थे। बाद में सेना ने संयुक्त रूप से कुलगाम जिले के चिमेर गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मारतंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मारतंड, एक बार फिर से जम्मू दिल्ली है जहां आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल, पुलिस को इनपुट मिला था कि यहाँ पे कुछ आतंकी छुपे हुए हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी गतिविधियां राष्ट्रद्रोही हैं, ठीक नहीं। तो इसके बाद जो है पुलिस ने वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलवामा का हाजिर राजपुरा वो जगह है जहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जैसे ही पुलिस आतंकी जहाँ छुपे हुए थे उस ठिकाने के आसपास पहुंची, उन आतंकियों ने जो है पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसके बाद मिलिट्री और सुरक्षा बल जो भी थे वो तलाशी अभियान चल, मिलिट्री पुलिस और जो लोकल पुलिस थी वो CRPF के जवान थे। जी मार्तन, जिस तरीके से ये मुठभेड़ देखने को मिली है सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ, इस पूरी मुठभेड़ से क्या कुछ इनपुट सामने आया है? कितने आतंकी घायल हुए हैं, कितने जवानों को क्षति पहुंची है? जी जी, इस पूरी गोलाबारी घायल हुए हैं और अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी फाइनल इनपुट नहीं आ पाया है, फाइनल इनपुट के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने कुल आतंकवादी वहां छुपे हुए थे और इसके बाद जो है ये जो जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें जो है कितना नुकसान सुरक्षा वालों को पहुंचा है और कितने आतंकी थे जिनको सुरक्षा वालों ने मार गिराया। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है पुलिस की सुरक्षा वालों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मारे गए थे और उसके बाद जो सेना ने पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया था। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये इनपुट निकल के आया था कि ये जो हाजिन राज
पूरा एरिया है यहाँ पे आतंकी छुपे हुए हैं, और जैसे ही पुलिस सुरक्षा बल वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद जो है आतंकी उनके ऊपर फायर झोंक देते हैं, जिसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। जी अनुष्का, बहुत बहुत धन्यवाद मार्तंड आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहाँ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। हमीरपुर में जीएसटी विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं साथ ही काली पट्टी बांधकर कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने और जीएसटी के 3 स्लैब बनाकर सरलीकरण करने की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। जो जीएसटी लगाई गई है उस जीएसटी में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जो गल्ला की खरीद है उसमें जबरदस्ती जीएसटी लगा करके व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है, किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के एक आज ज्ञापन डीएम माननीय डीएम साहब को दिया गया है, जिससे व्यापारियों के हित में सुनवाई हो। सहारनपुर में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली रोड स्थित आजाद समाज पार्टी के कार्यालय से बहुजन साइकिल यात्रा निकाली। आजाद समाज पार्टी की इस साइकिल रैली का के कई मतलब निकलकर सामने आ रहे हैं। इसे 2022 की चुनावी तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं साइकिल पर सवारी का मतलब भी 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस साइकिल यात्रा को जनसंपर्क अभियान बताया है। देखिए, बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर घर तक हम लोग पहुंचेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां है जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश बेहाल हो चुका है, आम आदमी सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, और जितनी भी नियुक्तियां हो रही है, नौजवान परेशान हो गया, घोटाले हो रहे हैं नियुक्तियों में, नियुक्तियां नहीं तो हुई नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है जन जन तक पहुंचाएंगे और इस सरकार की सच्ची कहानी जनता तक पहुंचा के 2022 में सत्ता को इस सरकार को। कानपुर में बीजेपी नेता विद्यानंद पांडे ने पार्षद के गुर्गों पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने पार्षद के गुर्गे आए थे, जिसका विरोध करने पर पार्षद पति इरफान ने उन्हें बात करने के बहाने बुलाकर गाली गलौज कर गोलियों से भून डालने की धमकी दी। वहीं बाबूपुरवा थाने में इरफान के खिलाफ कई मामले दर्ज है। पिछली खबर में मैनपुरी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेशानुसार निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा, साथ ही तैयारियों के साथ हर जगह सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नजर बनाई गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अकबरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नवनिर्मित वृहद गौशाला किसरवल का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस वृहद गौशाला में करीब 22 गौवंश मौजूद हैं। वहीं जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवकी नंदन ने बताया कि कार्यदली संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ द्वारा इस वृहद गौशाला का 1,20,00,000 की लागत से निर्माण कराया गया है, जिसमें 4 टीन शेड हैं और इसमें लगभग 240 गौवंश आने की क्षमता है। वहीं जिलाधिकारी ने वृहद गौशाला का बारीकी से निरीक्षण भी किया। कोरोना महामारी के चलते कई परिवार इस वक्त तबाह हो गए हैं, वहीं ना जाने कितनों के सर से मां बाप का साया भी छिन गया है। एक ऐसा ही परिवार कानपुर देहात के हल्ला निवादा का रहने वाला है, जहां कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के चलते एक युवक इस कदर बेरोजगार हुआ कि परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया, जिसके बाद 29 मई को युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना के बाद रसूलाबाद उपजिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक की बेटियों की शादी का खर्च उठाने का जिम्मा ले लिया और मृतक का क्रियाकर्म भी करवाया। बता दें कि मृतक पिता ने पहले ही 2 बेटियों की शादी तय कर रखी थी। पीड़ित परिवार में 2 बेटियों की शादी है, जिस पर उप जिलाधिकारी ने
दो बोरी शक्कर और एक टीन रिफाइन भी उनको भिजवाया है, लेकिन शादी के अन्य खर्चों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में दोनों बेटियों की शादी कर पाना मृतक की पत्नी के लिए इस वक्त मुश्किल बना हुआ है। वो टेंशन में उन्हें लगा ली फांसी। क्या टेंशन रही थी आखिर? अब यही टेंशन घरेलू लॉकडाउन की वजह से, शादी थी कमाई का कोई जरिया नहीं था जी। फिर इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद जब फांसी लगा ली उसके बाद एसडीएम साहब आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शादी करेंगे जी, तो आप उसी तारीख को रखिए शादी जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बारात कब आनी है? बारात आज ही आनी। तो कितने यानी कि बच्चे हैं उनके? बच्चे 5 है, 4 बिटियाँ एक लड़का। शादी कितने की हो रही है? आज 2 बिटिया की शादी हो रही है। बाकी जो बच्चे उनको भी गोद लिया है क्या? नहीं, उनका तो नहीं है, इनके लिए। आज 30 तारीख को 2 बेटियों की शादी है, दोनों सगी बहनें हैं। इसमें पहले से हम परिवार से टच में हैं और परिवार को हम पहले भी कुछ राशन, चीनी और तेल वगैरह की व्यवस्था करा चुके हैं। कल भी कुछ चीनी तेल जो कम था उनके पास सामग्री वो उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा हम अपनी तरफ से जो शादी में कुछ सामान दिया जाता है, टीवी, फ्रिज, बर्तन का सेट या और कुछ शादी के बर्तन वगैरह, और ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। कुछ कूलर वगैरह भी हैं। तो दोनों बेटियों को जो भी चीज़ें दी जा रही हैं वो सब 2-2 सेट में दी जा रही हैं। तो इस तरह से जो भी सामान है वो सब अभी शादी में पहुँचेगा और जितनी भी व्यवस्था हमने करी है वो सारी की सारी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कोविड-19 के तहत प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसका आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गोल्डन कार्ड के बनाए जाने में प्रगति लाएं और प्रत्येक VLE कम से कम 100 गोल्डन कार्ड प्रतिदिन अवश्य बनाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। गोल्डन कार्ड बनाए जाने के लिए सभी SDM अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर गोल्डन कार्ड बनवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जाए और जितनी वैक्सीन उपलब्ध है वह 100% लग जाने चाहिए। योगी सरकार भले ही प्रतिवर्ष पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट पास करे, लेकिन समसपुर पक्षी विहार आज भी किसी अधिकारियों के उसमें सामने नहीं आ पाया। आपको बता दें कि कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते इस वक्त ये बदहाली के आंसू रो रहा है। बता दें कि रायबरेली जनपद से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सलोन तहसील का ये पर्यटन का केंद्र कहां जाने वाला समसपुर पक्षी विहार है, जिसे उत्तर प्रदेश से लेकर देश विदेश में कभी भी पर्यटन का नाम नहीं दिया गया। वहीं समसपुर पक्षी विहार का नाम हर किसी की जुबा पर आता है। वहीं इसको लेकर हड़कंप उस वक्त मच गया जब प्राइम टीवी की टीम इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए मौके पर पहुंची, जिससे वहां मौजूद शिकारियों में भगदड़ मच गई। कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पक्षी विहार के परिसर में मौजूद कैंटीन में हजारों मछलियों को कैद करके रखा गया है, जिसे शाम होते ही व्यापारी के पिकअप में लाद कर बाहर भेज दिया जाता है। अलीगढ़ RPF और JRP और चाइल्ड लाइन टीम ने बिहार में कार्यरत बचपन बचाओ आंदोलन की टीम की सूचना पर कार्यवाही की है। वहीं अलीगढ़ में GRP इंस्पेक्टर और RPF इंस्पेक्टर ने चाइल्ड लाइन ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ मिलकर पूरी टीम ने कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर से एक एक बोगी में कार्यवाही की। इस दौरान पूरी टीम ने रेस्क्यू शुरू किया, जिस दौरान 4 बोगियों में पुलिस ने इस ट्रेन से मानव तस्करी के लिए किए जा रहे 16 नाबालिग बच्चों को ट्रेन की अलग अलग बोगियों से बरामद किया है। तो वहीं बच्चों की तस्करी करने वाले 15 मानव तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी कल जो है सूचना मिली है, बचपन बचाओ कल्याण बचपन बचाओ आंदोलन एक NGO है, उसके द्वारा हमारे पुलिस अधिकारियों को जो मेल पर सूचना दी गई कि जो है कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में जो है बिहार से दिल्ली के लिए जा रहे हैं, उस सूचना पे कंट्रोल रूम के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली कि ये ट्रेन अटेंड किया जाए। इसमें इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही है। सूचना पे मेरे द्वारा अपने पूरे फोर्स के साथ RPF को सूचना दी गई, उनको बुलाया गया, चाइल्ड लाइन को बुलाया गया और पूरी ट्रेन को जो है सर्च कराया गया। सर्च कराने पर जो है कुल 8 बच्चे मिले जो नाबालिग हैं, जिनको जो है 4 व्यक्तियों द्वारा जो है काम कराने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था और उनको
हमीरपुर के सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र में मिनी स्टेडियम के निर्माण में घटिया सामग्री की जांच करने के लिए डीडीओ पहुंचे। बता दें कि ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने मिनी स्टेडियम में घटिया सामग्री की जांच की मांग की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज चौराहे के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने को लेकर मारपीट हो गई। बता दें कि पेट्रोल डालने आए युवक को पंप कर्मियों ने जमकर पीटा। वहीं बीच चौराहे पर हुई मारपीट से लोगों में हड़कंप मच गया। इस विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया है। मैं यहाँ पे तेल डलाने आया, मैंने कहा 195 का तेल डाल दीजिए, उन्होंने कहा 195 का तेल नहीं डालेंगे। हमने कहा क्यों नहीं डालेंगे, कहीं छुट्टा दीजिए। मैंने कहा चेंज लीजिए आप हमसे, तो कहा कि ठीक है। तेल डलाया, उसके बाद कहा जल्दी पैसा दीजिए, पैसा दे रहे थे। उसके बाद माँ बहन की गाली बकने लगा, गाली बकने के बाद हाथापाई करी, मुझे मारा भी, मेरी गर्दन दबो दी। और मुझे अलीगढ़ के जहरीली शराब कांड मामले पर पुलिस के द्वारा एक माह के अंदर मास्टरमाइंड सहित 30 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ कला निधि नेथानी के निर्देशन में बरामदगी बयान साक्ष्य संकलन आदि तथ्यों के आधार पर लगभग प्रत्येक मामले में 500 से 1000 पेज की चार्जशीट लगाकर न्यायालय में प्रेषित की गई है। शराब पीने से मृत व्यक्तियों की प्राप्त विसरा रिपोर्ट में जहरीली शराब की पुष्टि हुई है। शासन व डीजीपी मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब प्रकरण में अब तक 29 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें लगभग 80 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में 8 मुकदमों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाई गई है, जिसमें 30 अभियुक्तों को चार्जशीट किया गया है। और इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है उसको बड़ी ही बारीकी, बड़ी ही जटिलता और व्यावसायिक दक्षता के साथ करते हुए लैब रिपोर्ट्स पुलिस द्वारा प्राप्त की गई हैं, जिसमें इस शराब का जहरीला होना पाया गया है। साथ ही जो QR कोड्स थे, बार कोड्स थे, उनको भी नकली पाया गया है। और इसके अलावा जो विभिन्न बयान थे वो पुलिस द्वारा दर्ज किए जा चुके हैं। और इन सभी साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न धाराएं, जैसे IPC की 272, 273, 307, 304, इसके अलावा 420, 467, 468 एवं 461 और साथ ही आबकारी अधिनियम की धारा 60A, 61 और अन्य इस तरह की धाराओं में विभिन्न। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर बाइक पर गिर गया, जिससे करंट के चपेट में आने से बाइक जलकर खाक हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले इस वक्त बुलंद है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यवसायी से बदमाशों ने असलहे की नोक पर लूट की कोशिश की। वहीं बदमाशों ने असलहे की नोक पर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने दिनेश के पास जो रखा झोला था उसे भी छीन लिया। साथ ही धमकी देते हुए वो मौके से फरार हो गए। दिनेश की माने तो झोले में करीब 10 से 15 हजार रुपयों के साथ सोने चांदी के आभूषण, दुकान की चाबी और लेन देन के रजिस्टर भी रखे हुए थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। थाना गोसाईगंज के पे आज एक दिनेश सोनी, सनाफ हृदय राम सोनी, आरोप भरतीपुर आए थे। करीब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 10:30 से 11 के बीच में ये जो है भटपुरा नहर से गुजर रहे थे, तब तक पीछे से 3 बाइक सवार आए और इनका बैग छीन लिए। मोटरसाइकिल पे ये पीछे बैठे थे, इनका भतीजा मोटरसाइकिल चला रहा था। बैग में इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि चाबी, रजिस्टर और कुछ कैश पैसा था। डिटेल ये तहरीर में लिख के दे रहे हैं, तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।